बॉलीवुड की क्वीन कंगना की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिमरन इस हफ्ते यानी शुक्रवार 15 सितंबर 2017 को रिलीज हो रही है। फिल्म में कंगना एक गुजराती एनआरआई की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। यह कहानी एक ऐसी तलाकशुदा लड़की की है जो इंडिपेंडेंट है और अपने माता पिता के साथ रहती है। वह एक खुले विचारों वाली अलहरसी लड़की है जो लाइफ अपने हिसाब से जीती है। उसे किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म में कंगना के कैरेक्टर को चोरी करने और जुआ खेलने की भी आदत है। कहानी कंगना के किरदार सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है। इंडिपेंडेंट और मस्त मौला लड़की अपने लिए एक घर लेती है। वह सिंगल है और उसे किसी की जरूरत नहीं, वह सिर्फ अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती है। वहीं सिमरन के पापा उसे कहते हैं कि वह अकेली है, वहीं उसे अकेले रहने के लिए घर क्यों चाहिए। उसके पिता उससे पूछते हैं क्यों चाहिए घर, बॉयफ्रेंड्स को बुलाने के लिए। सिमरन भी झट से जवाब देती है, हाँ बुलाऊंगी मैं बॉयफ्रेंड्स। इस बीच वे कई लोगों को डेट भी करती है। तभी सिमरन को कोई ऐसा टकराता है जो जिंदगी के सफर में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, समीर। वहीं सिमरन समीर को बताती है कि उसे चोरी करने और जुआ खेलने की आदत भी है। इस बीच सिमरन की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे वे अपना आपा खो बैठती है। वहीं जो उसके साथ रहने की बात कर रहा था वह भी अपने कदम पीछे खींच लेता है, आदत है। फिल्म में कंगना को मिडिल क्लास की एक ओपन माइंडेड लेडी के तौर पर दिखाया गया है जिसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है, इसके चलते उसे चोरी करने की आदत भी है। इस फिल्म को कंगना की फिल्म क्वीन के मुकाबले में देखा जा रहा है। पिछली फिल्म रंगून के फ्लॉप होने के बाद दर्शकों को कंगना की इस फिल्म से कई उम्मीदें हैं। फिल्म के गाने लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। मजानी लाइफ यूथ के बीच में काफी पॉपुलर भी हो गया है। फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है। वहीं फिल्म को भूषण कुमार, शैलेश आर सिंह, कृष्ण कुमार और अमित अग्रवाल ने प्रोड्यूस किया है। कंगना फिल्म में मेन रोल प्ले कर रही हैं।